नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। और जैसे कि आप ठीक देख रहे हैं, ये हम अभी बिहार मोड़ पे खड़े हैं। सुबह हमने एक रिपोर्टिंग दिखाई थी, उसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारियों के बारे में बताया था। पर अभी हम बागडोगरा एयरपोर्ट से लौटे हैं और वहाँ पे भी हमने आपकी स्थिति आप सभी को दिखाया है। और अभी हम ठीक बिहार मोड़ से अभी आपको और भी कुछ जानकारी देंगे। देखिए, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता है, कुछ कारण होता है, कुछ उसके पीछे की वजह होती है। ठीक वैसा ही वजह है, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से हमारे देश में अपना जगह बना रहा है, जिस तरह से वो फैल रहा है, उसको रोकने के लिए हर संभव प्रभाव जो प्रयास है वो भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, साथ साथ हम और आप जैसे लोग भी इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। आज जनता कर्फ्यू लागू किया गया है, सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग इसको मान भी रहे हैं और अपने अपने घरों में बैठकर उन सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो कि सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है और आसपास से हमें जो जानकारी मिली है। ठीक ऐसी सिचुएशन में क्या स्थिति है बागडोगरा के जो टैक्सी है चालक है उनका या टैक्सी से रिलेटेड चालकों का, उसके लिए हम खास लोगों से के साथ बैठे हैं और ख़ास लोगों से ही हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो गाड़ी यहाँ पे है और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो स्ट्राइक या जनता कर्फ्यू के बारे में बात की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ दो गाड़ी है और बाकी लोग भी गाड़ी लगाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो जो गाड़ी देख रहे हैं वो सिर्फ इमरजेंसी सुविधा के लिए, जो INTUC बागडोगरा है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कर्मी हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने सीमित की है वो उन व्यवस्था के लिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी जैसी हालात होती है, किसी घर पे कोई दिक्कत होता है या कोई परिवार अगर रास्ते में है और उन्हें कोई गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उन सुविधाओं को लेकर वो यहाँ पे डटे हुए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि इतने अच्छा काम वो कर रहे हैं INTUC के तरफ से, क्योंकि हमेशा से जैसे कि हम हमारे सामने मौजूद हैं बागडोगरा के बहुत चर्चित टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हमारे जो बादल जी हैं बहुत परिचित हैं, उनसे बात करेंगे कि बादल जी थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति है आज बागडोगरा में जनता कर्फ्यू को लेकर। बिल्कुल ही बुरा स्थिति है, बिल्कुल दुकान पाट हाट बाजार हर चीज़ बंद है। बंद का मतलब बिल्कुल चारों तरफ बंद, एक अहंकार डर मन में भय इस तरह का परिस्थिति पैदा कर दिया कोरोना वायरस की वजह से। जी जैसे कि टैक्सी चालक हैं सभी लोग, कुछ ना कुछ टैक्सी मैक्सिमम टैक्सी ऐसा होता है कि वो लोग इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उनका महीने का किस्त होता है। जिस तरह से लगातार बंद से बंद बार बार जाहिर कर दिया जा रहा है, बार बार बंद का ऐलान किया जा रहा है, कितना कुछ फ़र्क पड़ेगा चालकों के ऊपर, गाड़ी चालकों के ऊपर, गाड़ी मालिकों को? बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा, कारण कि चालक का एकमात्र कमाई का रोजगार का व्यवस्था जो है एक ही मात्र ये टैक्सी है, जिसका वजह से उसका घर परिवार चलता है। एकमात्र ड्राइवर खाली नहीं, ड्राइवर का ऊपर उनका मालिक भी है, मालिक भी इसी के ऊपर निर्भर है, इंस्टॉलमेंट है उनका, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, दवाई पानी है, रोजी रोटी है, डेली का ये सब कुछ टैक्सी के ऊपर डिपेंड है। मगर फिर भी इतना भयंकर बीमारी से बचने के लिए, लोगों से भारत को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमें तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा कष्ट निभाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा हमें। फिर भी आज का दिन मैं खुद सवेरे से यहाँ पर हूँ, जबकि देखे चारों तरफ से बंद का माहौल पड़ा हुआ, बिल्कुल भय का माहौल है, मगर हमने दो गाड़ी इसीलिए रखा हुआ इमरजेंसी की वजह से, किसी का विपत आवत इमरजेंसी, किसी को हॉस्पिटल कहीं जाना हो, मुसीबत में कोई फंस गया हो बोलकर यहाँ पर एक यूनियन की तरफ से INTUC की तरफ से हमने दो गाड़ी का सेवा रखा हुआ, ताकि किसी को मुसीबत होने पर आ करके हमसे यहाँ सेवा मुफ्त ले सकते हैं। जी जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरे दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी आज इस संक्रमण से लड़ रहा है और इस संक्रमण के पीछे पड़ा है, लेकिन ऐसे में सभी लोग अपना अपना योगदान है, चाहे वो डॉक्टर की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, सफाई कर्मियों से बात करें। ठीक वहीं पे एक तरफ और एक जो विभाग है या बिरादरी बोले वो है टैक्सी चालक, वो भी उन सभी लोगों को, किसको कोरोना है किसको नहीं है, कोई इन्फेक्टेड है कोई नहीं है, इसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है नहीं, पापी पेट का भी सवाल है जिसके लिए वो आज कर रहे हैं। आज जो स्थिति हमारे देश में है, सभी लोग इस स्थिति को झेल रहे हैं, हर तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बीमारी से संक्रमित है तो कोई व्यवसाय से संक्रमित है, तो जिस तरह से अभी जो गाड़ियां बंद हो गई है, चालक और जो गाड़ी मालिक है उनके लिए भी समस्या बनी हुई है। हम चाहेंगे कि सरकार थोड़ा सा इस जगह पर भी सोचे, थोड़ा सा जानकारी करे, क्योंकि जिस तरह से मिनिमम बैलेंस के लिए लोगों के पैसे कट रहे हैं, इस सुविधा में थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। जो इंस्टॉलमेंट की जो किस्ती हर महीने के 2 तारीख 5 तारीख या अलग अलग तारीख पे निर्धारित की गई है, उन सभी किस्तों को भी सरकार द्वारा थोड़ा सा कुछ सुविधा मिले, जिससे जो टैक्सी चालक हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उन्हें बहुत तरह की राहत मिले। बस इसी चीज़ों के साथ आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और संक्रमण को बढ़ने से रोकें।
इसके साथ मैं अमर शाह खबर आजकल साहब सभी का धन्यवाद करता हूँ।